सोने से पहले यह करो आप पावरफुल बन जाओगे, इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। अभी लोगों को यह पक्का पता है कि भाई हमें कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड करता है थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक चलता है वहाँ, एनालिसिस चलता है वहाँ, डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस, लॉजिक। और कॉन्शियस माइंड रहता है प्रेजेंट, द प्रेजेंट। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ्स, मेमोरीज, पुराने पुराने यादें, पुराने थॉट्स, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो एक्चुअली हमें इन्फ्लुएंस करते रहता है। जो भी बिलीफ, जो भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। समझा जी, आपका ये है कि भाई सुबह उठना बहुत कठिन है, ये आपका पक्का विश्वास है, पक्का बिलीफ है कि सुबह उठना कठिन है, सुबह नहीं उठा जा सकता है, तो आप सवेरे नहीं उठेंगे और आपको हैबिट बन जाएंगी। और किसी के लिए ऐसा कि नहीं सुबह उठ सकते हैं, आसान है तो वो उठेगा और एक्सरसाइज करेगा, वो बिलीफ के ऊपर है। जैसा जिसका बिलीफ, जैसे उसके विचार, और जैसे जिसके विचार वैसा उसका आचार, बिहेवियर वैसा बनता है। बिलीफ के ऊपर पूरा खेल है। ये एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल में ये, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मालूम है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। काफ़ी स्टडीज में ऐसा पाया गया है, और नई जब दवाई निकालते हैं, ढूंढ के रिसर्च करते हैं, तभी भी ये प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करके वो नई दवाई कितने काम की उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसा पाया गया कि एक दवाई जो थी वो एक 25 लोगों को दिया, 25 लोगों का एक ग्रुप था पेशेंट का, उनको एक दवाई दिया जो उसमें इफेक्टिव है माना गया था, 25 लोगों को दिया, और 25 लोगों को एक विटामिन वाली, सादी विटामिन की या सादी शक्कर की गोलियां दिया, वैसे ही रंग, वैसे ही दिखना सब, मगर उनको, उसको बोलते प्लेसेबो, उनको प्लेसेबो दिया। मगर ये 25 लोगों को ये मालूम नहीं था कि अपने को प्लेसेबो दिया, अपने को सिर्फ शक्कर की या विटामिन की गोली दी हुई है। उनको लगता था कि अपने को जो बीमारी है वो बीमारी के लिए गोली दी हुई है, और पहले ग्रुप को सचमुच जो बीमारी की गोली थी वो दिया, बीमारी के लिए जो गोली काम की है वो दिया। क्या हो गया इफेक्ट? इफेक्ट ये हो गया कि ये जो 25 लोग थे जिनको प्लेसेबो दिया था, जिनको शक्कर की गोली खिलाई थी या विटामिन की गोली खिलाई थी, उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि उनको बिलीव था, प्लेसेबो इफेक्ट उनके ऊपर हो गया कि नहीं मैंने दवाई खाई हुई है, अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा, और वो बिलीव से वो अच्छे हो गए। मतलब वो बिलीव कहाँ होता है? सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो यदि आपके बिलीव में वो एक कोई पर्टिकुलर चीज है तो वहां से आपका बिहेवियर होगा, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यदि सक्सेस पाना है, आपको यदि पावरफुल होना है, जो भी आपको चाहते हैं कि भाई करना है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना पड़ेगा, जो हम हिप्नोथेरेपी में करते हैं, हिप्नोसिस में करते हैं। और उसमें सादा तरीका जो है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करने के लिए आप एक तरीका अजमाओ, तरीका इस्तेमाल करो, उसमें आपको फायदा होगा। क्या है कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, वो क्या करते हैं जब सोते हैं? देखो, सोने के समय जब बेड पे लेटते हैं तो तुरंत थोड़ी नींद आती है। किसी को 2 मिनट टाइम है, किसको 5 मिनट, किसको 20 मिनट लगते हैं, किसको आधा घंटा भी लगता है। उस समय आप ना जागते हुए रहते हैं, ना स्लीप में रहते हैं, आधा अधूरा रहते स्लीप। उस समय फुल सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ रहता है। अभी आपने क्या करना है? जो अनसक्सेसफुल लोग क्या करते देखते हैं, पहले अनसक्सेसफुल लोग जो है वो पावरलेस लोग है, वो क्या करते हैं उस समय? चिंता, घबराहट, कोई उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, वैसा, ऐसे चिंता वाले या नर्वस वाले, डिप्रेशन वाले, दिन भर की सब कहानियाँ दुख भरी वो याद करेंगे, कहीं अपना अपमान हुआ था कब, कुछ ना कुछ ऐसे याद करेंगे। होता क्या है, जब आप सोते हैं तो ये याद की हुई चीज़ें मतलब कॉन्शियस माइंड की जाती है अंदर सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरे दिन आप सवेरे उठते हैं, आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? निगेटिव बातें जो सोने के समय आपने सोची है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड आपको इन्फ्लुएंस करता है कॉन्शियस माइंड को, और वहाँ से आपकी शुरुआत होती है सुबह उठने से ही, सब निगेटिव 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 बातों के ऊपर। उल्टा क्या करना है? उल्टा ये करना है कि सोने के पहले, नींद आने के पहले, आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो। और आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर घुसेगी। सवेरे उठेंगे तो वो पॉजिटिव थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आपने कौन से पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के हैं सोने के समय, मैं आपको बताता हूँ। वो आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं,
आपने आंखें बंद की हुई है, आपने कौन से देने का है? पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बताता हूं, 5 मिनट पहले, नींद आने के पहले 5 मिनट, या जब तक नींद नहीं आए तब तक आपने बोलना है कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूं, मेरे अंदर में बहुत ताकत है, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं कोई भी एरिया में सक्सेस पा सकता हूं या सक्सेस मिला सकता हूं, मुझे सक्सेस मिलने ही वाली है, मैं सक्सेस मिलाऊंगा ही, मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, हर चीज में मुझे कामयाबी मिलती है, सफलता पाने में मुझमें बहुत ताकत है, मैं एक कामयाब इंसान हूं, ऊर्जा है, उत्साह है, और मैं कोई भी काम बहुत ताकत से, ऊर्जा से, उत्साह से कर सकता हूं, मेरे आसपास के सभी लोग कामयाब है और कामयाब लोगों को मैं अपने तरफ अट्रैक्ट करता हूं, मेरे परिवार के सभी लोग मुझको एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनके ऊपर प्यार करता हूं, वो मेरे ऊपर प्यार करते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई का बहुत मज़ा आ रहा है, जीने का बहुत मज़ा आ रहा है, हर दिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मेरा मन शांत और रिलैक्स है, मुझमें बहुत उत्साह है, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं कुछ भी काम चैलेंज लेके करता हूं, सफलता मुझे, सफलता मेरे पैर चूम लेती है, मेरा मन शांत और रिलैक्स है, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं लोगों को सपोर्ट करता हूं, हर चीज़ में, हर काम में मुझे सफलता मिलती है। ये जो अफर्मेशंस है ये दोहराने का है, ये जो आप अफर्मेशंस दोहराएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिकल हो जाएंगे, अंदर घुसेंगे, दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं और एक बोलता हूँ कि आपके इंटेंशंस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है लाइफ में, आपका पर्पस क्या है, उसके बारे में पड़े पड़े सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो सब पॉजिटिव बातें अंदर जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में और उसका इफेक्ट दूसरे दिन आपको दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, नींद में सभी थॉट्स जो है ना वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे अपने समझो मार्केट में गए और 10 चीज़ें खरीदी, समझो 2 थैलियाँ भर के अपन ने चीज़ें लाई, हम क्या करते हैं आने के बाद में जो है बिस्किट के पूड़े लाए तो वो एक जगह रखेंगे, चावल लाएंगे तो अलग जगह, शक्कर लाए तो अलग जगह रखेंगे, कपड़े खरीदेंगे तो वो अलग जगह रखेंगे, ऐसा सब जगह जगह पे लगा देते हैं। माल तो लाए मॉल में से पूरा भर के, एक गाड़ी भर के माल लाए, घर में लाने के बाद में अलग अलग जगह पे फिट कर देते, वैसे दिन भर का जो माल हमने लाया हुआ है दिमाग में उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मेमोरी बैग्स में वो बैठा जाता है सब, उसका इफेक्ट दूसरे दिन मालूम पड़ता है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, सफलता आपके पैर चूम लेंगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।